Hello everyone, welcome to our channel, and in this video we shall discuss various news from the Hindu, Indian Express and PIB that are important from prelims perspective. So let's start our discussion. First of all, jo pehli news hum discuss karne ja rahe hain wo hai Supreme Court panel recommendations on prison reforms. 2018 mein Supreme Court ne ek committee ko appoint kiya regarding the prison reforms in India. और उस कमेटी का नाम था जस्टिस अमिताभ रॉय कमेटी. और इस कमेटी ने भारत में प्रिजन रिफॉर्म से रिलेटेड कुछ रेकमेंडेशन दिए, इस कारण से आज ये न्यूज़ में था. और ये कमेटी जो अपॉइंट की गई थी 2018 में, इसका पर्पस था कि जो भारत में वेरियस प्रिजन्स हैं उनमें ओवरक्राउडिंग का जो प्रॉब्लम है एक, और प्रिजनर्स के पास जो लैक ऑफ लीगल एडवाइस है, उन सबको ध्यान में रखते हुए कुछ रेकमेंडेशंस दी जाएं. सो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे पहले कि इनके साथ, प्रिजनर्स के साथ और प्रिजन्स के साथ बेसिक प्रॉब्लम क्या है और इस कमेटी ने क्या अपनी रेकमेंडेशंस दी हैं. सबसे पहले प्रॉब्लम्स जो हाईलाइट की गई इस कमेटी ने, इंडियन जेल्स आर ओवर ऑक्यूपाइड. अगर भारत में 30th of November 2018 तक की बात करें तो टोटल 1341 प्रिजन्स ऐसे हैं जो फंक्शनल हैं, जिनमें 4.68 लाख टोटल प्रिजनर्स रह रहे हैं, जबकि उनकी सेंक्शन कैपेसिटी जो है वो है 3.83 लाख. मतलब अराउंड 1 लाख प्रिजनर्स जो हैं वो एक्स्ट्रा इन जेल्स में रह रहे हैं. और अगर 2016 से 2018 की बात की जाए तो जो प्रिजन की सेंक्शन कैपेसिटी है वो तो 0.7% इंक्रीज की, जबकि जो प्रिजन की जो पॉपुलेशन है वो 8.2% इंक्रीज हो गई. सेंक्शन कैपेसिटी तो 0.7% ही इंक्रीज हुई है, बट टोटल पॉपुलेशन 8.2% इंक्रीज हो गया. और अगर हम स्टेट्स वाइज देखें तो यूपी, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, मेघालय एंड दिल्ली, इनका जो ऑक्यूपेंसी रेट है वो क्या है, 150% तक पहुंच गया है, विच इज़ द मेजर प्रॉब्लम्स विद इंडियन प्रिजन्स, राइट. अब कुछ और प्रॉब्लम्स. सबसे बड़ी बात, इंडिया में बहुत सारे ऐसे प्रिजनर्स हैं जिन पर अभी तक ट्रायल्स चल रहे हैं. मतलब ये कि वो अभी कन्विक्ट घोषित नहीं हुए हैं, बट दे आर अंडर ट्रायल. और अंडर ट्रायल प्रिजनर्स को अभी तक अगर हम डिसप्रोपोर्शनेट मैनर में इनको रखा जाता है कहाँ पे, प्रिजन्स में, जिनसे इनका ओवरऑल जो प्रिजन्स का कैपेसिटी है वो तो कम है और पॉपुलेशन क्या होता जा रहा है, इंक्रीज होता जाता है. और एन अंडर ट्रायल इज अ पर्सन हु इज बीइंग हेल्ड इन कस्टडी अवेटिंग ट्रायल फॉर क्राइम. मतलब अभी उसका जो क्राइम किया उसके लिए ट्रायल अभी नहीं हुआ है. दूसरी प्रॉब्लम, शॉर्टेज ऑफ प्रिजन स्टाफ. जो प्रिजन डिपार्टमेंट है उसमें जो एवरेज वैकेंसी है वो 30% to 40% तक वैकेंसी देखने को मिलती है, जिसके कारण से जो हमारा वेरियस जेल रिफॉर्म्स हों या मॉडल प्रिजन मैनुअल है, इसके इम्प्लीमेंटेशन में क्या आती है, प्रॉब्लम आती है. सो प्रिजन स्टाफ का शॉर्टेज होना, ह्यूज नंबर ऑफ अंडर ट्रायल्स, ओवर ऑक्यूपाइड जेल का होना, और उसके साथ साथ एक मेजर प्रॉब्लम है अनहाइजीनिक फूड की, जिसमें बोला गया जो किचन्स इन जेल्स में बने हुए हैं वो अभी भी पुराने हैं, प्रिमिटिव हैं, और इन किचन्स में बहुत कंजस्टेड हैं. जो डाइट है उसे अभी तक सालों से चेंज नहीं किया गया, और जो फूड प्रोवाइड किया जाता है वो भी क्या है, अनहाइजीनिक है. सो दीज आर दी प्रॉब्लम्स एसोसिएटेड विद इंडियन प्रिजन्स. नाउ दी रेकमेंडेशंस. पहली रेकमेंडेशन दी गई कि अगर हमें ओवरक्राउडिंग को कम करना है तो जो ट्रायल है उनको क्या करना पड़ेगा, स्पीडी मैनर में करना पड़ेगा. सो स्पीडी ट्रायल रिमेन्स वन ऑफ द बेस्ट वेज टू रेमेडी द अनवॉरेंटेड फिनोमिनन ऑफ ओवरक्राउडिंग. अगर जितना जल्दी ट्रायल्स हो जाएंगे तो जो अंडर ट्रायल प्रिजनर्स अभी हमारे प्रिजन्स में है उन सब में कुछ लोग कन्विक्ट कम होंगे तो कुछ लोग बाहर चले जाएंगे, तो ओवरक्राउडिंग का प्रॉब्लम दूर हो जाएगा. दूसरी बात, जो हम लैक ऑफ लीगल एडवाइस की बात कर रहे थे उसमें भी बोला गया जो लॉयर टू प्रिजनर रेशियो है, दिस शुड बी एटलीस्ट 1 लॉयर फॉर एवरी 30 प्रिजनर्स, विच इज नॉट केस एट प्रेजेंट. एक लॉयर हर 30 प्रिजनर्स के पास होना चाहिए, और जो कि अभी प्रेजेंट सिनेरियो में नहीं है. और कुछ स्पीडी ट्रायल्स के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट्स को भी सेटअप किया जाना चाहिए, ताकि जो छोटे छोटे ऑफेंसेस हैं जो पेंडिंग हैं मोर देन 5 ईयर से, उनका फटाफट निपटारा किया जा सके. अगर हम बात करें प्रिजनर्स के लिहाज से, जो लीगल एड जिन प्रिजनर्स के पास नहीं है उन्हें क्या करना चाहिए, इफ़ेक्टिव लीगल एड प्रोवाइड करनी चाहिए, ताकि वो अपनी उस लीगल एड की सहायता से इस पूरे ट्रायल के प्रोसेस को फटाफट निपटान कर सकें. और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होनी चाहिए ट्रायल्स के लिए,
ताकि स्पीडी मैनर में ट्रायल कंप्लीट हो सके, राइट। यहाँ पे एक वर्ड आया लीगल एड फॉर द प्रिजनर्स, और इसी से रिलेटेड जो प्रिजन जो हमारा प्रिलिम्स है उसमें अगर कुछ बात देखें तो राइट टू फ्री लीगल एड और फ्री लीगल सर्विस इज एन एसेंशियल फंडामेंटल राइट गारंटीड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। जो फ्री लीगल एड है वो आर्टिकल 21 यानी कि राइट टू लाइफ का पार्ट बनता है, विच सेज नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ और पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, राइट। सो जो आर्टिकल 21 है फ्री लीगल एड उसका पार्ट बनता है, तो ये क्या है, एक फंडामेंटल राइट है प्रिलिम्स के लिए, हमें ये ध्यान में रखना है। दूसरी बात, जो प्रिजन्स या पर्सन्स डिटेन्ड देयर इन इज अ स्टेट सब्जेक्ट। अगर हम बात करें 7th शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में, उसमें जो एंट्री 4 है वो कहता है कि एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ प्रिजन्स इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ रेस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट्स। ये किसके अधिकार में आते हैं, सारी जेल और इन सब का एडमिनिस्ट्रेशन और मैनेजमेंट इस स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में आता है। बट हाउएवर द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स जो है वो कुछ रेगुलर गाइडेंस या एडवाइस प्रोवाइड कर सकती है इन स्टेट्स को या यूनियन टेरिटरीज को ऑन वेरियस इश्यूज कंसर्निंग प्रिजन्स एंड प्रिजन इनमेट्स, राइट। तो ये भी बात हमें ध्यान में रखनी है। सो अगली न्यूज़ जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम। ये आज न्यूज़ में क्यों था, बिकॉज रिसेंटली नेशनल प्रोडक्टिविटी काउंसिल ने सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम में एक बोला कि दिस हैज़ लेड टू अ डिक्लाइन ऑफ 8-10% इन द यूज़ ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स। अगर इसका रैशनल देखें हम तो हिंदुस्तान में जो बेसिकली 3 तरह के फर्टिलाइजर्स हम यूज़ करते हैं जो सॉइल की रिक्वायरमेंट है, जिसमें पहला फर्टिलाइजर होता है नाइट्रोजिनस फर्टिलाइजर, सेकेंड इज़ फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर एंड थर्ड इज़ पोटाश फर्टिलाइजर। सो जो एनपीके है इसमें जो नाइट्रोजिनस फर्टिलाइजर है बेसिकली उसे हम बोलते हैं यूरिया। तो इंडिया में जब ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ तब उसके बाद से यूरिया में हमने गवर्नमेंट ने बहुत सारी सब्सिडी दी, जिसके कारण इसका बहुत ज़्यादा यूटिलाइजेशन इम्प्रॉपर यूटिलाइजेशन होने लगा और सॉइल की जो क्वालिटी है वो डिटेरिएट होती रही। बट इसी को ध्यान में रखते हुए सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम आई, जिसमें बोला गया कि अब हम जो टोटल यूज़ ऑफ फर्टिलाइज़र है उसे धीरे धीरे क्या करें, कम करें। और इसी से रिलेटेड नेशनल प्रोडक्टिविटी काउंसिल ने बोला कि इस स्कीम के बाद 8-10% का केमिकल फर्टिलाइज़र यूज़ क्या हुआ है, कम हुआ है, और उसके साथ साथ जो प्रोडक्टिविटी है वो भी क्या हुई है, इंक्रीज़ हुई है बाय 5-6%। कुछ और डेटा हम इससे रिलेटेड देखते हैं। अगर हम बात करें सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम के फेज़ 1 में 10.74 करोड़ कार्ड्स जो थे वो डिस्ट्रीब्यूट किए गए, और फेज़ 2 में 11.69 करोड़ कार्ड्स हैव बीन डिस्ट्रीब्यूटेड। मतलब इतने सारे सॉइल हेल्थ कार्ड डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं, और ये जो प्रॉपर सॉइल हेल्थ कार्ड डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं इसका मतलब ये है कि जो भी किसान होगा, फार्मर जो होगा, अगर उसके पास सॉइल हेल्थ कार्ड होगा तो वो अपनी सॉइल की क्वालिटी को, सॉइल की हेल्थ को लेबोरेटरीज़ में, सॉइल हेल्थ लेबोरेटरीज़ में जाके चेक करवा सकता है, और उसी के अकॉर्डिंग जिस फर्टिलाइज़र की रिक्वायरमेंट होगी उन्हीं फर्टिलाइज़र की रिक्वायरमेंट को कंप्लीट किया जाएगा और उसी अमाउंट में किया जाएगा, ताकि ओवर यूज़ ऑफ फर्टिलाइज़र ना हो। और इसके साथ साथ एक पायलट प्रोजेक्ट डेवलपमेंट ऑफ मॉडल विलेजेस इज ऑल्सो बींग इम्प्लीमेंटेड बाई द मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर इन द फाइनेंशियल ईयर ऑफ 2019-2020। डेवलपमेंट ऑफ मॉडल विलेजेस, याद रखना किस मिनिस्ट्री का है, एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स का। और यहाँ पे ये याद रखना है कि इस डेवलप जो मॉडल विलेजेस डेवलप किए जाएंगे वो संसद आदर्श ग्राम योजना से डिफरेंट होंगे। ये संसद आदर्श ग्राम योजना जो है ये 2014 में चलाई गई थी, जिसमें हर एमपी को बोला गया था कि उनको एक गांव को आइडेंटिफाई करना है और उसके फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए प्रयास करने हैं। सो दिस संसद आदर्श ग्राम योजना इज डिफरेंट एंड डेवलपमेंट ऑफ मॉडल विलेजेस इज डिफरेंट। तो प्रिलिम्स में अगर ऐसा स्टेटमेंट आता है कि डेवलपमेंट ऑफ मॉडल villages is the part of संसद आदर्श ग्राम योजना, तो वो स्टेटमेंट गलत होगा, इस बात को ध्यान रखना है। इसके बाद this soil health card scheme along with other projects, national mission for sustainable agriculture for soil health management has created jobs for agrarian youth। अब ये बात बोलना चाहते हैं कि इस स्कीम ने जो यूथ है, एग्रेरियन यूथ है, उसमें जॉब्स को भी क्रिएट किया, बिकॉज जो सॉइल हेल्थ लेबोरेटरीज जो बनी जो कि इन सॉइल की हेल्थ को टेस्ट करेंगी, उन्होंने क्या जनरेट किया है, एम्प्लॉयमेंट जनरेट किया है। और 75% ऑफ लेबोरेटरी कॉस्ट आर प्रपोज टू बी फंडेड बाई द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट्स, सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट्स। द सेम प्रोविजन अप्लाइज टू सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, फार्मर्स,
कोऑपरेटिव सोसाइटीज, फार्मर ग्रुप्स एंड एग्रीकल्चरल प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनाइजेशंस, राइट। इसके बाद अब हम इस स्कीम को देखें कि सोइल हेल्थ कार्ड स्कीम है क्या। उससे पहले हमें पता होना चाहिए कि मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर ने इस स्कीम को 2015 में इंट्रोड्यूस किया, और ये स्कीम बेसिकली न्यूट्रिएंट स्टेटस बताती है किसी भी सॉइल का विद रिस्पेक्ट टू 12 न्यूट्रिएंट्स। हम कोशिश करेंगे कि इन 12 न्यूट्रिएंट्स को याद रखा जाए, क्योंकि यही वो मेजर चीज़ है जो प्रीलिम्स में पूछी जा सकती है। बिकॉज कभी कभी हम सोचते हैं कि इतने ट्रिवियल फैक्ट्स नहीं पूछेगा यूपीएससी, बट प्रीवियस ईयर्स में ऐसा हो चुका है। सो जो 12 न्यूट्रिएंट्स है उसमें पीएच लेवल, जो कि सॉइल की सैलिनिटी, सॉइल की एसिडिटी या बेसिसिटी को बताता है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, ऑर्गेनिक उसमें कार्बन कितना है, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम, सल्फर, जिंक, बोरॉन, आयरन, मैग्नीज एंड कॉपर ऑफ फार्म होल्डिंग्स। तो ये वो सारे न्यूट्रिएंट्स हैं जिन्हें चेक किया जाता है, और इसको चेक करने के बाद ये प्रोवाइड किया जाता है कि किस चीज़ की कमी है, और उसके अकॉर्डिंग ही यूटिलाइजेशन किया जाए फर्टिलाइजर का। और सोइल हेल्थ कार्ड इज प्रोवाइडेड टू ऑल फार्मर्स इन द कंट्री एट एन इंटरवल ऑफ 2 ईयर्स। ये याद रखना है कि हर साल में नहीं दिया जाता है, एट एन इंटरवल ऑफ 2 ईयर्स ये प्रोवाइड किया जाता है, टू इनेबल द फार्मर्स टू अप्लाई रेकमेंडेड डोजेज ऑफ न्यूट्रिएंट्स बेस्ड ऑन सॉइल टेस्ट वैल्यू, राइट। उसकी जो सॉइल हेल्थ कार्ड रिपोर्ट आएगी उसके अकॉर्डिंग वो अपने जो भी फर्टिलाइजर्स हैं उनका यूटिलाइजेशन करें, ताकि क्रॉप की प्रोडक्टिविटी जो है वो क्या हो सके, इंक्रीज हो सके। नेक्स्ट न्यूज़ जो हमें डिस्कस करनी है, उससे पहले हमें जानना है, इसमें नाम आया था कि जो रिपोर्ट दी गई वो नेशनल प्रोडक्टिविटी काउंसिल ने दी, और ये नेशनल प्रोडक्टिविटी काउंसिल क्या है और किसके अंडर आती है वो बात हम करेंगे। इट इज़ अ नेशनल लेवल ऑर्गेनाइजेशन टू प्रमोट प्रोडक्टिविटी कल्चर इन इंडिया, और इसे इस्टेब्लिश किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने इन 1958। ये एक ऑटोनोमस मल्टी पार्टी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, ऑटोनोमस नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, कोई स्टैट्यूटरी बॉडी नहीं है, यहाँ पे इसे याद रखना है, राइट। सो नेक्स्ट इज रिड्यूसिंग SO2 एमिशंस। एनवायरनमेंट से रिलेटेड एक और न्यूज, व्हाई दिस वाज इन न्यूज रिसेंटली, जो आज CPCB ने एक शोकॉज नोटिस जारी किया 14 थर्मल पावर प्लांट्स को, जिसमें बोला गया कि वो जो भी थर्मल पावर प्लांट्स हैं जो सल्फर डाई ऑक्साइड की एमिशंस हैं उनके साथ कॉम्प्लायंस नहीं कर पा रहे हैं। सो जब द CPCB हैज द पावर टू इम्पोज स्टीप फाइन्स और शट अ यूनिट अंडर द प्रोविजंस ऑफ द एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1986। एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 का जो भी प्रोविजन है उससे CPCB अपनी पावर्स को डिराइव करता है, और उसके तहत ये उन जो भी थर्मल पावर स्टेशंस हैं उन पे फाइन्स को इम्पोज कर सकता है और इन यूनिट्स को शट भी कर सकता है, राइट। अब हम अगर पर्टिकुलेट मैटर और सल्फर डाई ऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड एमिशंस की बात करें, सो इंडिया ने फेज्ड अप्रोच में जो भी कोल फायर्ड यूनिट्स हैं उनके ऊपर, जो भी ये कोल फायर्ड पावर प्लांट्स हैं, जो थर्मल पावर प्लांट्स हैं, उनके अंदर जो पोल्यूशन है उसे लिमिट करने के लिए एक फेज्ड अप्रोच अपनाई है, जिसमें बोला गया जो सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट है ये एस्टिमेट करता है, जो नॉर्म्स हमने बनाए हैं दीज नॉर्म्स कैन हेल्प रिड्यूस पर्टिकुलेट मैटर एमिशन बाय अबाउट 35%, नाइट्रस ऑक्साइड का एमिशन अबाउट 70% एंड SO2 एमिशंस बाय मोर देन 85% बाय 2026-2027, राइट। तो ये नॉर्म्स अगर फॉलो होते हैं तो हम इतना ज़्यादा एमिशंस को क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। उसके साथ साथ अगर कोई भी प्लांट 300 किलोमीटर रेडियस में है दिल्ली में, तो उन्हें 31st of December 2019 तक कंप्लायंस करना पड़ेगा इन नॉर्म्स को बिकॉज ऑफ द पुअर एयर क्वालिटी इन द सिटी, राइट। सो इस बात का हमें ध्यान रखना है। इसके साथ साथ जो फ्लू गैस डीसल्फराइजेशन इज अ सेट ऑफ टेक्नोलॉजी, इसका भी यूज करना है, जो कि कुछ यूनिट्स इन जो भी प्रोसेसेस थर्मल पावर प्लांट्स में यूज हो रहे हैं उसमें इन टेक्नोलॉजी का यूज किया जाए। और ये टेक्नोलॉजी क्या है, दिस इज अ सेट ऑफ टेक्नोलॉजी यूज टू रिमूव सल्फर डाई ऑक्साइड फ्रॉम एग्जॉस्ट फ्लू गैसेज ऑफ फॉसिल फ्यूल पावर प्लांट्स। जो भी पावर प्लांट का एग्जॉस्ट है उसमें से जो सल्फर डाई ऑक्साइड रिमूव होता है, सल्फर डाई ऑक्साइड एमिट होता है बेसिकली, उस एमिशन को रोकने के लिए उस पहले जो भी तुम्हारा एमिशन है उसको फ्ल्यू गैस डीसल्फराइजेशन की टेक्नोलॉजी से होके अगर गुजारेंगे तो SO2 का जो एमिशन है वो कंपैरेटिवली क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा इन डक्ट से, राइट। सो दिस इज द मेजर यूनिट जो कि सेटअप की जानी चाहिए फॉर वेरियस थर्मल पावर प्लांट्स।
अगर हम बात करें सीपीसीबी के बारे में, सीपीसीबी इज अ स्टेट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन अंडर मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज और एस्टेब्लिश्ड इन 1974 अंडर द वाटर एक्ट ऑफ 1974. और सीपीसीबी अपनी पावर एंड फंक्शंस को जो एंट्रस्ट करता है वो एयर एक्ट ऑफ 1981 से भी करता है. सो वाटर एक्ट एंड एयर एक्ट ये दो इसके मेजर सोर्स हैं. स्टेट्यूटरी बॉडी है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट के अंदर आती है. नेक्स्ट इज जो आर्ट एंड कल्चर और हिस्ट्री से रिलेटेड जो आज का एक और न्यूज़ था वो था कंसेक्रेशन एट द बृहदीश्वरा टेम्पल. हुआ ये कि जो भी बृहदीश्वर टेम्पल है थंजावुर इन तमिलनाडु में, उसमें एक सेरेमनी होता है कुंभाभिषेकम. इस सेरेमनी को बहुत टाइम से रोका गया था और वो रोका इसलिए गया था कि ये जो सेरेमनी की जाएगी वो किस लैंग्वेज में की जाएगी उसको लेकर विवाद था. या तो वो तमिल में की जाए या वो संस्कृत में की जाए. इसीलिए 7 साल बाद ये सेरेमनी आज ये परफॉर्म हुआ और आज मद्रास हाईकोर्ट ने इसको इस पूरे मैटर को सेटल किया और इसमें बोला गया कि जो कोर्ट ने अलाउ किया जो भी ये कंसेक्रेशन प्रोसेस है कुंभाभिषेकम सेरेमनी का प्रोसेस है दिस इज टू बी परफॉर्म्ड इन बोथ तमिल एंड संस्कृत लैंग्वेज. राइट. सो ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है. अब जो प्रिलिम्स के लिए हमें जानना है वो ये कि बृहदीश्वर टेम्पल क्या है, इसका आर्ट एंड कल्चर की दृष्टि से क्या इंपॉर्टेंस है, वो बातें. सबसे पहले दिस टेम्पल इज ऑल्सो नोन एज राजा राजेश्वरा टेम्पल. और ये टेम्पल किसको डेडिकेट किया गया है, शिवा को. लोकेटेड है कहाँ पे, थंजावुर इन तमिलनाडु. और जो थंजावुर है किस डेल्टा पे है, कावेरी रिवर के डेल्टा पे लोकेटेड है. ये जियोग्राफी से रिलेटेड क्वेश्चन हो गया. अब अगर हम बात करें इस टेम्पल का स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर क्या है, दैट इज इन द्रविडियन स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर. और द्रविडियन स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर में जो चोला एम्परर थे राजा राजा चोला वन फ्रॉम 1985 to 2014 AD और इन्होंने 1003 AD से 1010 AD के बीच में इस टेम्पल को बनाया था. राजा राजा चोला और वन ने द्रविडियन स्टाइल की एक खूबसूरत कृति है बृहदीश्वर टेम्पल, मौजूद है थंजावुर तमिलनाडु में. थंजावुर कावेरी रिवर के डेल्टा पे है. और द द्रविडियन स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर, जो अगर हम ओवरऑल द्रविडियन स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर की बात करें तो ये फ्लरिश हुआ अराउंड द 8th century to about 13th-14th century. मतलब 8वीं सदी से 13वीं-14वीं सदी तक जो हमारा द्रविडियन स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर है वो फ्लरिश हुआ है. अब अगर हम बात करें दिस टेम्पल इज ऑल्सो इन द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट लिस्ट इन, और इसको एंटर किया गया था कब, 1987 में. राइट. एंड इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ ग्रेट लिविंग चोला टेम्पल्स. जो चोला के टेम्पल्स, चोला जो रूलर्स थे, एम्परर्स थे, उनका जो चोला साम्राज्य था, उनके जो ग्रेट लिविंग चोला टेम्पल्स हैं उसमें इंक्लूड किया जाता है बृहदीश्वरा टेम्पल ऑफ थंजावुर. उसके साथ साथ दो और टेम्पल्स हैं जिसमें बृहदीश्वराई टेम्पल ऑफ गंगाईकोंडा चोलपुरम, जो गंगाईकोंडा चोलपुरम है वहाँ पे भी एक बृहदीश्वर टेम्पल है. जिस टेम्पल की आज हम बात कर रहे हैं, जो हमने न्यूज़ में था, दैट वाज ऑफ थंजावुर जो कि कावेरी रिवर के डेल्टा पे है. एंड एक और टेम्पल है एरावतसुवेरा टेम्पल एट दारासुरम. राइट. ये तीन टेम्पल जो हैं वो ग्रेट लिविंग चोला टेम्पल्स में आते हैं. कुछ इन्फॉर्मेशन हम इन दोनों टेम्पल्स के बारे में भी देख लेते हैं. जो बृहदीश्वर टेम्पल गंगाईकोंडा चोलपुरम में है, दिस वॉज बिल्ट फॉर शिवा ऑब्वियसली, क्योंकि जो पहले वाला जो थंजावुर वाला है वो भी किसके लिए है, शिवा के लिए है, बाय राजेंद्र वन. ये राजेंद्र वन ने बनाया था. और जो थंजावुर वाला है दैट वॉज मेड बाय राजा राजा चोला वन. राइट. दिस टेम्पल हैज स्कल्पचर्स ऑफ एक्सेप्शनल क्वालिटी. और हमें पता है चोला के जो ब्रॉन्ज स्कल्पचर्स थे वो वैसे भी बहुत फेमस हैं और ये अपने मेटल आइकन्स के लिए जाना जाता है. अगर हम एरावतसुवेरा टेम्पल दारासुरम की बात करें तो इसे बनाया था चोला किंग राजा राजा टू ने. इट इज मच स्मॉलर इन साइज एज कम्पेयर टू बृहदीश्वर टेम्पल एट थंजावुर एंड गंगाईकोंडा चोलपुरम. ये जो गंगाईकोंडा चोलपुरम और जो थंजावुर में दोनों बृहदीश्वर टेम्पल हैं उनके कंपेरेटिवली ये बहुत ही छोटा है. एंड द फ्रंट मंडप इज यूनिक एज इट वॉज कंसेप्चुलाइज्ड एज अ चैरियट विद व्हील्स. यहाँ पे जो मंडप है ये द्रविडियन आर्किटेक्चर का पार्ट होता है. जो मंडप है उसमें कंसेप्चुलाइज किया गया चैरियट विद व्हील्स. राइट. अगर हम कुछ स्पेशल फीचर्स की बात करें तो जो द्रविडियन स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर है उसमें इस पार्ट को बोला जाता है विमाना. राइट. इसे बोला जाता है विमाना.
और जो नॉर्थ इंडिया में नागरा स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर है उसमें यहाँ पे तो जो ये स्ट्रक्चर है ये स्टेप्ड पिरामिड टाइप स्ट्रक्चर देखने को मिलती है, जबकि राउंडेड स्ट्रक्चर देखने को मिलेगी हमें कहाँ पे, नागरा स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर इन नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया, जिसमें उसे बोला जाता है शिखरा, राइट। तो जो विमान है ये यहाँ का एक मेजर द्रविडियन स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर को डिफ्रेंशिएट करता है। और दिस टेम्पल इज ऑल्सो वन ऑफ द टॉलेस्ट टेम्पल इन इंडिया एंड स्टिल रिमेन्स एन इंजीनियरिंग मिस्ट्री एज इट इज कम्प्लीटली मेड अप ऑफ ग्रेनाइट, राइट, ग्रेनाइट से बना हुआ है। एंड और ये जाना जाता है कि इंजीनियर्स के लिए मिस्ट्री बना हुआ है कि ग्रेनाइट्स को इतना ऊपर तक, इतना लंबा, जो इतना टोल बनाया गया, वो कैसे इसका कंस्ट्रक्शन किया जाएगा, ये एक कंस्ट्रक्शन किया गया, ये एक मिस्ट्री है। और द एपेक्स स्ट्रक्चर ऑन द टॉप ऑफ द टेम्पल इज बिलीव टू बी कार्व्ड आउट ऑफ अ सिंगल स्टोन कार्विंग, सिंगल स्टोन पे कार्विंग की गई है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। मतलब ये मोनोलिथिक टाइप्स हुआ। और इट इज सो डिजाइंड दैट द विमाना डज नॉट कास्ट अ शेडो एट नून ड्यूरिंग द पार्ट ड्यूरिंग एनी पार्ट ऑफ द ईयर। जो ये विमान है इसको ऐसे बनाया गया है कि पूरे साल में इसका शेडो देखने को नहीं मिलता, राइट। सो विमाना क्या है वो हमने देख लिया, जो गर्भगृह होता है जहाँ पे मूर्ति इस्टेब्लिश होती है उसके ऊपर का जो पोर्शन है, दिस इज द विमाना, जिसे नॉर्दर्न स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर, जो नागरा स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर है उसमें बोला जाता है शिखरा, राइट। सो दिस वॉज ऑल अबाउट आर्ट एंड कल्चर वाला न्यूज़। नाउ इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स, US चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने एक इंडेक्स निकाला जिसे बोला गया इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स, राइट। और इंडिया का जो पोजीशन इसमें इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में है वो गिर के क्या हो गया, 40th हो गया, जिसमें पहले इंडिया किस पे था 2019 में 36th पोजीशन पे। और ये रिलीज कौन करता है, US चैम्बर ऑफ कॉमर्स ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी सेंटर। ये दो चीज़ें हमें याद रखनी है, राइट। अब इसके कुछ की पॉइंट्स अगर हम देखें, सो जो यूनाइटेड स्टेट्स है, यूके है, फ्रांस है, जर्मनी है एंड स्वीडन है, ये सारी टॉप 5 इकोनॉमीज हैं इस आईपी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स ऑफ 2020 में। और इंडिया का रैंक भले ही स्लिप हुआ हो, डिस्पाइट द गवर्नमेंट्स फोकस्ड एफर्ट टू सपोर्ट इन्वेस्टमेंट्स इन इनोवेशन एंड क्रिएटिविटी थ्रू इंक्रीजिंगली रबस्ट आईपी प्रोटेक्शन एंड एनफोर्समेंट सिंस द रिलीज ऑफ नेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स पॉलिसी 2016। ये हमारे लिए थोड़ा चिंता का भी विषय है कि गवर्नमेंट का फोकस और सपोर्ट हम इनोवेशन पे करते जा रहे हैं, फिर भी हमारा रैंक इसमें क्या हुआ है, गिरा है। सो प्रीलिम्स के लिए सिर्फ हमें इतना याद रखना है, US चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने और ये जो ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी सेंटर है, ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स क्या करता है, जारी करता है, और इंडिया का रैंक इसमें क्या हुआ है, नीचे गिरा है, राइट। अब हम बात करते हैं साइंस एंड टेक की आखिरी न्यूज़ से, जिसका नाम है INS करांच। और ये आज न्यूज़ में इसलिए था बिकॉज दिस विल बी डिलीवर्ड टू इंडियन नेवी बाय दिसंबर 2020, ऐसी घोषणा की गई। दिस इज द थर्ड स्कॉर्पियन सबमरीन करांच। और ये जो INS करांच है ये पार्ट है प्रोजेक्ट 75 का, जो कि लॉन्च किया गया था जनवरी 2018 में, जो कि अभी चल रहा है और करंटली इन एडवांस स्टेजेस ऑफ सी ट्रायल्स में है। अब जो प्रोजेक्ट 75 है उसमें क्या क्या है वो हम देखने की कोशिश करते हैं। यही बात हमें ध्यान में रखनी होती है कि सिर्फ INS करंज ही जरूरी नहीं हो जाता, भले ये आज न्यूज़ में था बट ये किसका पार्ट है उससे रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सो प्रोजेक्ट 75 इज़ द प्रोग्राम of Indian Navy that entails building of 6 Scorpene class attack submarines. ये 6 Scorpene class submarines को बनाने की बात करता है. Has been undertaken with transfer of technology from French company naval group DCNS and at the Mazagon Dock Limited MDL. Right, the submarines in the P-75 Scorpene class are powered by the conventional diesel electric propulsion system. Conventional डीजल इलेक्ट्रिक प्रपल्शन सिस्टम से ये चलेंगी। द फर्स्ट स्कॉर्पियन सबमरीन जो INS कलवरी है वॉज कमीशनड इन 2017 एंड इट वुड गो फॉर अ नॉर्मल रीफिट आफ्टर 6 ईयर्स इन 2023 ड्यूरिंग विच टाइम द एयर इंडिपेंडेंट प्रपल्शन वुड बी इंस्टॉल्ड। जो इनका प्रपल्शन सिस्टम है उसमें एयर इंडिपेंडेंट प्रपल्शन सिस्टम को क्या किया जाएगा, इंस्टॉल किया जाएगा। साइंस एंड टेक के वीडियो में हम
स्पेशल इन दोनों चीज़ों पे बात कर लेंगे कि जो डीजल इलेक्ट्रिक प्रोपल्शन सिस्टम है, एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन सिस्टम है, इनमें क्या डिफरेंस है। बट प्रिलिम्स के लिए हमारा जो फोकस होना चाहिए वो होना चाहिए कि प्रोजेक्ट 75 में 6 स्कॉर्पिन क्लास हैं, जिसमें INS कलवरी को कमीशन किया गया था 2017 में और INS करंज को आज बोल दिया गया है कि 2020 में, दिसंबर 2020 में फंक्शनल कर दिया जाएगा। सो दिस वॉज, अगर हम एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन की बात कर ही लेते हैं, तो इज बींग डेवलप्ड बाई DRDO टू प्रोवाइड सबमरीन्स लॉन्ग रेंज एंड एक्सटेंडेड एंड्योरेंस कैपेबिलिटीज अंडर सी, राइट। और दूसरी जो स्कॉर्पिन है वो है INS खंडेरी, इसे इंडक्ट किया गया था सेप्टेम्बर 2019 में। और जो रिमेनिंग सबमरीन्स हैं इनके नाम भी हम याद रख सकते हैं, वेला, वगैर एंड वक्शीर। तो टोटल जो 6 हुई हैं वो हैं वेला, वागिर, वाक्शीर, खंडेरी, कलवरी एंड करंज। तो ये जो 6 स्कॉर्पिन क्लास सबमरीन्स हैं, ये पार्ट बनती हैं किसका, प्रोजेक्ट 75 का, राइट। सो दिस वाज ऑल अबाउट प्रिलिम्स स्पेशल न्यूज ऑफ 6th ऑफ फरवरी, राइट। थैंक यू सो मच।